पंजाब की हिदायत पर माह रमजान में लोगों को सस्ती और मियारी अशिया खुर्दनोश काम करने के लिए साहिबाल में 6 रमजान बाजार कायम कर दिए गए। कमिश्नर साहिबाल अली बहादुर काजी ने आज से फाल होने वाले रमजान बाजारों के अचानक चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया है। देखते हैं साहिबाल से विल्सन रजा की ये रिपोर्ट। कमिश्नर साहिबाल डिवीजन अली बहादुर काजी ने पहले मरहले में मॉडल बाजार रेलवे रोड पर लगाए गए रमजान बाजार का दौरा किया। माह रमजान के आगाज से पहले ही रमजान बाजार लगाए जा रहे हैं, जिसमें रोजेदारों को सस्ती और मियारी अशिया फराहम की जाएंगी। मगर अफसोस कि मसीही बरादरी के रोजों का आगाज 2 मार्च से शुरू हो चुका है, मगर हुकूमत की जानिब से अकलियतों के लिए रोजों के अयाम में मसीहियों के लिए सस्ते बाजारों का कोई इंतजाम नहीं किया गया। मसीही बरादरी शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि मुल्क में अगर अकलियतों को बराबर के हकूक हासिल हैं तो शहरियों के हकूक में तकसीम क्यों। इनके वक्त से मुतालबा किया है कि मसीहियों के लिए भी रोजों के अयाम में सस्ते बाजार का इंतजाम किया जाए, ताकि शहरियों को बराबर के हकूक में असर आ सके। माह रमजान में सस्ती चीजें फराहम करने के लिए रमजान बाजार कायम करने का आगाज हो गया। कमिश्नर साहिबाल डिवीजन अली बहादुर कादरी साहिबाल ने मॉडल बाजार में कायम करदा रमजान बाजार का दौरा किया है और रमजान में लोगों को सस्ती अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाने की हदायत की। जिला भर में लगाए गए 6 रमजान बाजारों में आटा 450 रुपए फी 10 किलो बैग और चीनी 80 रुपए किलो वाफर मकदार में दस्तियाब रहेगी। दोनों अशिया सिर्फ की फरोख्त के लिए, मर्दों और खवातीन के लिए अलहदा काउंटर भी कायम कर दिए गए हैं। म्यूनसिपल कारपोरेशन काशिफ महमूद और मार्केट कमेटी के अहलकार भी दौरे में मौजूद थे। कमिश्नर अली बहादुर काजी ने महकमा ज़राइत के ज़ेर एहतमाम फेयर प्राइस शॉप्स पर तमाम सब्जियां और फल रखने की हदायत की, ताकि आवाम रियायती नरखों से फ़ायदा उठा सकें। उन्होंने दुकानदारों को भी रमजान बाजारों में अपने अपने स्टॉल लगाने के लिए जगह फराहम करने की हदायत की। बाद हज़ार कमिश्नर ने CCTV कैमरों की मदद से बाजार की सिक्योरिटी, खरीदारों के बैठने की जगह और दूसरी सहूलियात का भी जायजा लिया। Oh, oh, oh.